हेलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 17 फीट 40 फीट × 40 फीट 680 स्क्वायर फीट डुप्लेक्स नॉर्थ फेसिंग हाउस प्लान है। तो क्या क्या है इस प्लान में, मैंने ये वीडियो में टोटली बताएंगे आपको, तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। बिल्डिंग इस तरफ 17 फीट है, इस तरफ 40 फीट है। सेम दोनों का फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर का एरिया दोनों का सेम है, तो इसको डिटेल्स पब्लिक के साथ शेयर करेंगे। तो यहीं पे जो वॉल है, वॉल को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ब्लैक कलर का जो वॉल मैंने बना रहा हूँ, ये 9 इंच का वॉल है और अंदर में जो पार्टीशन वॉल है उसका साइज 4.5 इंच है। तो ये जो ब्लैक दिख रहा है, ये आपका आउटर वॉल है और इनसाइड वॉल 4.5 इंच का वॉल है। 4.5 से 5 इंच तक रखिए इसको वॉल को। यहीं पे साथ में एक पूजा रूम भी मिल जाएगा आपको। पहले मैंने ग्राउंड फ्लोर का डिटेल्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर में आएंगे। तो ये हो गया आपका रेट जो है, ये विंडो का पोजीशन है। और इस तरफ डोर, सॉरी, इस तरफ डोर, सब डोर हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरफ से बिल्डिंग का एंट्रेंस है, यहीं पे मेन डोर है, मेन डोर है, मेन डोर के साथ यहीं पे लिविंग कम डाइनिंग हॉल है और नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम है। तो ये नॉर्थ ईस्ट है कॉर्नर, ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, साउथ वेस्ट कॉर्नर और साउथ ईस्ट कॉर्नर। तो ये टोटल जो बिल्डिंग है, यहीं पे रूम है, सारे चीज़ यहीं पे वास्तु के साथ है। तो देखिए जो लिविंग और डाइनिंग का जो साइज है, यहीं पे 11 फीट 1 इंच और इस तरफ 11 फीट 4 इंच और पूजा रूम का साइज 4 फीट × 5 फीट का है। उसके बाद यहीं पे वेस्ट में बेडरूम मिल जाएगा आपको। बेडरूम का साइज यहीं पे 10 फीट × 10 फीट है और यहीं पे जो पैसेज है 5 फीट 1 इंच का पैसेज है। उसके बाद यहीं पे टॉयलेट है, टॉयलेट का साइज 5 फीट इस तरफ और इस तरफ 6 फीट 9 इंच और साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है। ये मास्टर बेडरूम है
तो मास्टर बेडरूम का साइज यहीं पे 10 फीट बाय 11 फीट, और यहीं पे किचन है, किचन का साइज 5 फीट बाय 11 फीट, किचन है। यहीं पे आपका थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। तो देखिए, ये आपका 2 बेडरूम है, किचन है, टॉयलेट है, डाइनिंग लिविंग है, स्टेयर है और पूजा रूम भी है। स्टेयर के वही यहीं पे 2 फीट 10 इंच एक स्टेयर का चौड़ा है। तो ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर में यहीं पे थोड़ा चेंजेस है यहीं पे, तो क्या चेंजेस है हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए पूरा एंड तक। तो सारे आपका जो कंफ्यूजन है वो नहीं आएगा। अगर कुछ इंफॉर्मेशन आपका लग रहा है मिसिंग है तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छा से समझा दूँगा। तो यहीं पे थोड़ा सा चेंजेस क्या है मैंने आपको बताएंगे इस वीडियो में। ये आउटसाइड का वॉल 9 इंच का और इनसाइड का पार्टीशन वॉल का 4.5 इंच या 5 इंच। ये आपका वॉल हो गया। अभी इसका विंडो पोजीशन दिखा देते हैं। इसका डोर किधर किधर आएगा, यहीं पे डोर आएगा। तो देखिए, यहीं पे जो लिविंग डाइनिंग और पूजा रूम था, ये बहुत बड़ा एक हॉल बन गया। इसको टीवी रूम बना दीजिए, यहीं पे आप टीवी रूम बना सकते हैं इसको। इसका साइज अभी मिल जाएगा आपका 12 फीट 5 इंच बाई 11 फीट 4 इंच। और यहीं पे जो बेडरूम था, ये बेडरूम ही है। यहीं पे बेडरूम जो था उसका साइज यहीं पे 11 फीट बाई 10 फीट किया गया है। और यहीं पे जो पैसेज था, इसको 5 फीट 1 इंच से इसको 1 फीट कम करके 4 फीट 1 इंच दिया गया है। तो यहीं पे आपका टॉयलेट है, टॉयलेट का साइज भी यहीं पे थोड़ा सा छोटा किया गया है, 4 फीट 5 इंच बाई 5 फीट। और यहीं पे ये बेडरूम है, ये बेडरूम यहीं पे 11 बाई 10 था, यहीं पे इसको थोड़ा सा छोटा करके 8 फीट बाई 11 फीट किया गया है। और जो किचन था यहीं पे इसका स्टडी रूम बना दिया गया है। तो यहीं पर स्टडी रूम का जो साइज है 7 फीट 1 इंच बाई 11 फीट। तो यहीं पे आपका कितना रूम मिल रहा है, नीचे आपका 2 रूम है, ऊपर में 3 रूम है, टोटल 5 रूम यहीं पे आपका मिल जाएगा, ऐसा करके आप प्लान बनाएंगे। तो देखिए, यहीं पे आपका कॉलम पोजीशन देखा देते हैं।
यहीं पे भी ऐसा ही कॉलम दीजिए, बीच में कॉलम देने का ज़रूरत नहीं है। यहीं पे कॉलम का कॉलम थोड़ा 10 इंच बाई 12 इंच आ जाएगा, और तो नंबर ऑफ कॉलम यहीं पे कम हो जाएगा। यहीं पे दे दीजिए, यहीं पे दे दीजिए, यहीं पे और यहीं पे। तो यहीं पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर कॉलम का यहीं पे ज़रूरत रहेगा। तो यहीं पे जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आएगा टोटल 680 स्क्वायर फीट, ये आपका दो फ्लोर में 16 लैक्स आपका कॉस्ट आएगा। तो एक बार देख लीजिए दोस्तों, एक बार रिव्यू कर लीजिए, ये प्लान जो है वास्तु के साथ है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर इसको लाइक शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए। थैंक यू।